प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक साथ एक मंच पर मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूकेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम शिवराज समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज पार्टी के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री इस कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे, तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा मंच बनाया है। बीजेपी का ये दावा है कि 8 से 10 लाख सिर्फ वॉलेंटियर, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता 8 से 10 लाख इस महाकुंभ में शामिल होंगे। भोपाल का ये जम्बूरी मैदान है जहाँ पर वाकई में लाखों लोगों के बैठने की क्षमता है। बहुत बड़ा पंडाल, एक नहीं बल्कि करीब 12 पंडाल यहाँ पर लगाए गए हैं। अलग अलग पंडाल की जो है साइज़ है, भोजन की अलग व्यवस्था है, गाड़ियों को की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई है, पानी पीने से लेकर रात रुकने से लेकर सभी तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी के मुताबिक कार्यकर्ता महाकुंभ में 10 से 12 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ हैं और हर बूथ से 20 कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। बीजेपी की माने तो ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बीजेपी इस कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर रही है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है। पूरे विश्व में आज तक किसी भी राजनीतिक दल का इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ है और जम्बूरी मैदान ये ऐतिहासिक है। हमने 8 में भी किया था, 2013 में भी किया था और 2008 और 13 के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इस बार भी यहाँ से कार्यकर्ता विजय संकल्प लेके जाएंगे और 2018 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। कितने कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे? सिर्फ वॉलेंटियर हैं, बीजेपी के वर्कर हैं या फिर जनता भी रहेगी, आम जनता? सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन है ये और 65,200 से ज्यादा बूथ से प्रत्येक बूथ का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। पीएम मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुँचेंगे और फिर विशेष हेलीकॉप्टर से करीब 1:15 बजे जम्बूरी मैदान पहुँचेंगे। पुलिस प्रशासन ने पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, उसके लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए। करीब 4,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए। ये महिला पुलिस की टुकड़ी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को भी यहाँ पर तैनात किया है। पूरे भोपाल शहर में कई जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। CISF से लेकर SPG तक ने मोर्चा संभाल लिया है और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चलते भोपाल शहर में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम पर हो रहे खर्चे पर सवाल खड़े करते हुए इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। बहरहाल चुनाव नजदीक है और सबकी नजर मध्य प्रदेश की जनता पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में अब कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन तो करेगी ही, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने की कोशिश भी की जाएगी।